महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुंडल गांव के क्रांति सिंह नाना पाटिल स्मारक में पलूस तहसील की समाजवादी प्रबोधिनी और परिवर्तनवादी कार्यकर्ताओं की ओर से सांगली जिला इरिगेशन फेडरेशन के सहयोग में क्रांति सिंह नाना पाटिल जयंती के अवसर पर खुले विचार मंथन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की कर्ज माफी क्या मिला है, क्या लेना है, इस विषय पर कॉमरेड अशोक ढवले ने विचार साझे किए। इस मौके क्रांति समूह के अरुण लाड की अगुवाई में हुए मंथन में ज्येष्ठ विचारवंत वीवाई पाटिल, जिला परिषद सदस्य शरद लाड आदि मान्यवरों ने शिरकत की। देश में और खासतौर पे महाराष्ट्र में ये कर्ज माफी का जो किसानों का मुद्दा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा अभी बन गया है। और इस मुद्दे के लिए महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों का हड़ताल हुआ 11 दिन जून महीने में, और उसके बाद भी ये आंदोलन चालू है। 11 तारीख को जून के सरकार की चर्चा हुई क्षेत्रीय किसान संगठन की सुकाणू समिति के साथ, और उन्होंने ये ऐलान किया कि हम पूरी तरह से कर्ज माफ़ी किसानों को देंगे। लेकिन उसके बाद 15 दिन के अंदर वो पलट गए और इतनी सारी कंडीशंस और ये डाल दी कि उससे 10% किसानों को भी कर्ज माफ़ी का फायदा नहीं मिलेगा, ये बहुत स्पष्ट है। और इसलिए 10 से 23 जुलाई तक पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज़ोरदार मेड़ावे अलग अलग जिलों में हुए। 50,000 से ज़्यादा किसानों में उन्होंने किसानों ने उसके अंदर हिस्सा लिया, और आखिरी मेड़ावे में ये तय हुआ कि 14 अगस्त को यानी आज़ादी के दिन के एक दिन पहले एक ज़बरदस्त रास्ता रोको आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में किया जाएगा। और ये मांग जो है पूरी कर्ज माफ़ी, इसको पूरी तरह से लगाकर हम रहेंगे। दूसरी मांग जो हम उसके अंदर कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, कि किसान कायम स्वरूप से अगर कर्ज में नहीं रहना होगा तो फिर उसके लिए उसके किसान के फसल को लाभकारी मूल्य देना होगा। और वो लाभकारी मूल्य देने के लिए डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये सिफारिश की थी कि अगर किसानों को आत्महत्या से बचाना है और ये पूरे कृषि का संकट अगर ये करना है, तो उसके लिए उसका पूरा जो लागत खर्चा है वो पूरा निकालने के बाद और उसको 50% मुनाफा उसके ऊपर देना चाहिए। इस प्रकार के MSP जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो लाभकारी मूल्य के हैसियत से केंद्र सरकार ने जाहिर करना चाहिए, और उस मूल्य में उसका जो फसल है वो खरीदी करने की जो पूरी यंत्रणा है वो भी सरकार ने खड़ी करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ अभी तक हुआ नहीं है, तो ये दूसरी मांग ये 14 अगस्त के ये बड़े आंदोलन में महाराष्ट्र में ले रहे हैं। पूरे देश भर में 9 अगस्त को, हालांकि यहाँ 9 अगस्त को दूसरे कार्यक्रम है, तो यहाँ 14 अगस्त तक हुआ महाराष्ट्र में, लेकिन पूरे देश भर में 9 अगस्त को दिन सभी किसान संगठन इकट्ठा आकर एक जोरदार आंदोलन पूरे देश भर में 9 अगस्त, जो आप जानते हैं छोड़ो भारत आंदोलन का 75वीं सालगिरह है इस बार, तो उस दिन 9 अगस्त को पूरे देश भर में होगा, महाराष्ट्र में 14 अगस्त को वही आंदोलन बहुत जोर जोर से होगा। तो इस चैनल के लिए सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट।